तुम जैसे जवान लोग नहीं रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? यस सर। सर मैं अब चलूं, कल से आता हूं काम पे। थैंक यू। जाने से पहले अपने साथियों से नहीं मिलना चाहोगे? हाँ हाँ सर, मिलवाइए ना। कैसे सभी फोन बजने बंद हो गए? मुझे तो लगता है कि इनमें से किसी की आत्मा आज ही कब्जा करेगी इसके शरीर पर। राकेश जी, आया सर। ये आज से आपके साथ काम करेंगे। हेलो, बड़ी खुशी है आपसे। ये कैसे हुआ? मैं आपको छू क्यों नहीं सका? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? बड़ा अच्छा लगा। मैं अच्छी बाकी। ओ नो, ये लोग इसका भी वही हाल करेंगे जो बिली का किया। वैसा नहीं होने दूंगा। नहीं यार, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। लेकिन यामी, हमें कुछ तो करना होगा। ये क्या? कॉल सेंटर की शिफ्ट खत्म हो गई। चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चलो। आइए आइए, इंटरव्यू के लिए आए। मैंने तो सोचा था कि आज के इंटरव्यूज खत्म हो गए। चलो कोई बात, हमारे यहां तो इतना काम है कि जितने भी लोग आए कम पड़ जाते। चलिए इनको काम पे लगा देते हैं। ये कैसी जगह? बाहर आने के बदले हम और अंदर बंद हो गए। अगर हमने यहां से जल्दी नहीं की, हमारा भी यही हाल होने वाला है। लगता है यह सामान्य आत्माओं का है। आत्माओं की आवाजें आनी बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है।
कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। चलो क्या सोचा था ये मामूली सा दरवाजा तुम्हें आत्माओं से बचा लेगा? माफ कर देना, अब मैं तुम मदद नहीं कर सकता। क्या मम्मी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद मैनेजर ही वो आदमी था जिसकी वजह से ये सारी आत्माएं इंसानी शरीर से जुड़ी हुई थी, और इस मैनेजर को खत्म करके इन सारी आत्माओं को हमने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चलो, अब ना ही इस कॉल सेंटर में कोई इंटरव्यू होगा और ना ही किसी की जिंदगी जाएगी। हाँ, हमने इन आत्माओं को तो खत्म कर दिया है, बस सिर्फ उन आत्माओं को ढूंढना बाकी है जिन्हें नया शरीर मिला है। चलो आपने मुझे ये नौकरी दिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया। कैसी बातें कर रही है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। मैं इस कॉल सेंटर की नई मैनेजर हूँ और इसमें काम करने के लिए जवान लोग तो चाहिए ही, है ना? चलिए, लेट हो रहा है। Thank you.